अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपनी स्टडी करनी चाहिए या फिर आपको एक दिन में कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप अपनी स्टडी किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर बिना टाइम टेबल के अपनी स्टडी करते हैं। अगर बिना टाइम टेबल के अपनी स्टडी करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझसे यही पूछा है कि सर हमें किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी चाहिए, आप हमारे लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही टाइम टेबल यहां पे बताने वाला हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका टाइम टेबल आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे साइंस आपका होता है, साइंस में आपका फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है और आपका होता है मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पे बात की जाए तो टोटल आपसे 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पढ़ लिया एक दिन, दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, तीसरे दिन मैथमेटिक्स पढ़ लूँगा, ऐसा मत कीजिएगा। हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, तभी आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल डिटेल में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए उनका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम टेबल को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग लिखा है, यानी सुबह का समय। तो सुबह के समय आपको कितने बजे स्टडी करनी है, मैंने यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आपको सुबह उठकर पढ़ाई करनी होगी, ये टाइम आप लोगों का सबसे बेस्ट होता है। और मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री ही क्यों चूज़ किया, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री होता है इसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन थ्योरिटिकल पूछे जाते हैं, टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी पार्ट से रिलेटेड होते हैं और जो बचते हैं वो आपका न्यूमेरिकल हो जाता है, ठीक है। तो सुबह का टाइम याद करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, सुबह के टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है। जैसे आप सुबह उठे 4 बजे, कोशिश करें आप यहाँ पे केमिस्ट्री जरूर पढ़ लें, और ये डेली आप लोगों को यही रूटीन फॉलो करना है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया है, सिर्फ 1.5 घंटे आपको पढ़ना सुबह 4 से 5:30 बजे तक। अगर आप इतनी स्टडी रोज करेंगे तो बड़े आसानी से आप अपने केमिस्ट्री का सिलेबस प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ये आपको आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि वो बड़े आसानी से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और जो नहीं उठ पाते हैं वो कोशिश करें कि सुबह 4 बजे ज़रूर उठ जाएँ और यहाँ पर 1.5 घंटे स्टडी करें। और क्या पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह आप केमिस्ट्री जरूर पढ़ें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, जुलाई तक का टाइम है। अगर आप जुलाई तक अपना ये रूटीन फॉलो करेंगे बड़े आसानी से आपका यहाँ पे ये केमिस्ट्री का सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो अगली टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पे आफ्टरनून की दी हुई है, और 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने आपको इतनी गैपिंग क्यों दी हुई है, 5:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद सीधे 1 बजे मैंने आपको यहाँ पे टाइम क्यों बताया। मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ ये आपका सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है। इसमें आपका कोई अदर चीज नहीं आना चाहिए, यानी वीडियोस, जो वीडियोस से आप पढ़ाई करते हैं वो अलग बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने इतनी
गैपिंग दी है, इस बीच आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो आपको काम होते घर में वो आप कर सकते हैं, या फिर जो वीडियोस से आप स्टडी करते हैं वो आप कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना टाइम गैप दिया हुआ है ताकि आप बोर ना हो, आपको ये ना लगे कि हम दिन भर पढ़ाई ही कर रहे हैं। इसीलिए ये आपका सिर्फ यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है, इसमें ना वीडियोज़ वाली स्टडी जुड़ेंगी ना कुछ और जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ पे जुड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 बजे का टाइम है ये आप लोगों का, और 1 से 3:30 बजे तक, यानी टोटल आपको कितने 2.5 घंटे यहाँ पे देने हैं। किस सब्जेक्ट के लिए? मैथमेटिक्स के लिए देना है। अगर आप 2.5 घंटे खुद से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये आपके लिए इतना टाइम इनफ है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग का टाइम है। अगर कल से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि जब आप टाइम के अनुसार अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मैंने आपको मैथमेटिक्स का दिया है। ज़्यादा टाइम इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि मैथमेटिक्स में सिलेबस आपका लेंदी है, पढ़ने में टाइम लगता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम आप लोगों के लिए इनफ है। अगर आप इससे ज़्यादा की आपकी कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अगली स्टडी कब करनी है? इवनिंग में। अब यहाँ पे इवनिंग में मैंने टाइम क्या लिखा हुआ है? 6 से 7:30 बजे तक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और पढ़ना क्या है आपको? फिजिक्स पढ़ना है। अब फिजिक्स पढ़ना है, यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है। आप चाहें तो इसे 8 भी कर सकते हैं, यानी 2 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग का टाइम होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा कम बताया हुआ है। जैसे जैसे आप इस रूटीन को फॉलो करते जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम बढ़ा लीजिएगा, ये अभी इतना टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल टाइम की बात करूँ तो एक दिन में आपको कितने घंटे स्टडी करनी है? सुबह मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद दोपहर में मैंने आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया है, और फिर शाम को आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम दिया है, यानी टोटल मिला के आपका 5.5 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट आपको एक दिन में पढ़ाई करनी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना आप फॉलो करते हैं तो आप बड़े आसानी से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका टाइम टेबल था, तीनों सब्जेक्ट को मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड कर दिया है, और आप लोगों को टाइम भी यहाँ पे काफ़ी मिल रहा है अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ करने के लिए, या भी जो कुछ भी आप करते हैं आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि एक दिन में आपके 24 आवर्स होते हैं। तो क्या आप 5 घंटे और 30 मिनट का टाइम नहीं दे सकते हैं? बड़े आसानी से दे सकते हैं। फिर आपके पास टाइम कितना बचेगा? यहाँ पे टाइम आपके पास बचेगा 18.5 घंटे का, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे केवल 5 घंटे 30 मिनट अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई करने का मन करता है तो आप कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर है, जैसे आपको टाइम मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये टाइम टेबल डिटेल में बता दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टाइम का आप लोगों का पूरा ख्याल रखा है, यहाँ पर 7:30-8 बजे तक अगर पे फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जल्दी अपना खाना वाना खाइए रात में, फिर सो जाइए, फिर सुबह उठ के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों का यहाँ पे टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टाइम टेबल आप लोगों को पसंद आएगा। फिर इसके अलावा चलिए हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपनी बुक के एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर हम अपनी किस बुक से प्रिपरेशन करें अपने एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। क्या पूछते हैं कि किस बुक से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें? तो बुक आपके पास कोई भी हो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, और मैक्सिमम लोगों के पास होगी भी, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उनके पास बुक जरूर होगी, तो आप अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो बुक है उसी बुक से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और वीडियोज तो मैं आप लोगों के लिए बनाता ही रहता हूँ, आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपका बुक का कंफ्यूजन यहां पे दूर हो गया होगा, और एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने आप लोगों का पूरे पेपर का एनालिसिस किया है यहां पे, और जो भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं अधिकतम तो आपके एग्जाम
एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने बुक के एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करें और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करें। जो एक न्यूमेरिकल आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर लगाएं, उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके सामने वो न्यूमेरिकल दोबारा अगर आए तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन देखे तुरंत आप समझ जाएं और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों का डिटेल में एक टाइम टेबल यहाँ पे बना दिया है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। और फिजिक्स पे आपको कंसंट्रेट करना होगा फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी फिजिक्स का पेपर क्या हो जाता है, टोटली डिफरेंट आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों का आया हुआ था, मतलब क्या होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आपके आते हैं तो 25 में से कम 16 न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिए जाते हैं और 8 क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर 9 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स कभी कभी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये आपको आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे और न्यूमेरिकल कम आ जाते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी है, पेपर चाहे जैसे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे कई स्टूडेंट मुझसे टाइमिंग पूछते हैं कि सर आप क्लास की टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टाइमिंग यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है, मुझे अपनी भी स्टडी करनी होती है, ठीक है। जब मैं फ्री होता हूँ तभी मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टाइम फिक्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा एक टाइम होता है मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कभी भी वीडियो मिल सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा, यही आपकी टाइमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं या फिर मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता हूँ। एक दिन मुझसे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने उससे कहा कि मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करता हूँ, तो वो मुझसे क्या कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं सच में यहाँ पे व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, मैंने कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि इन सबसे मेरा टाइम वेस्ट होता है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ दोबारा आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर नहीं मांगेंगे और ये भी डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हुई हैं, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। और ये टाइम टेबल सभी लोगों के लिए, आप चाहे जहाँ से बिलोंग करते हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट का आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप टाइम टेबल ये फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।